गाइस नमस्ते, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग मिलेदी ब्लॉग में आप सभी को स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और मैं थोड़ा तैयार सैयार होके निकल गई हूँ अपने कमरे से और मैं जा रही हूँ मेरी फ्रेंड का यहाँ घर पे। और मेरी फ्रेंड मैं और जिया जी मिल के आज हम लोग बाहर जाएंगे घूमने के लिए, नहीं काम के सिलसिले पे जाएंगे। और क्योंकि आज है ऑफ डे हम लोग का, सॉफ्ट क्लोज है, इसलिए हम लोग बाहर जाएंगे कुछ काम से। और ये मेरी फ्रेंड भी ब्लॉग बना रही है, आगे आगे चल रही है। और हम लोग अभी पहुंच गए हैं बिराटी स्टेशन। ये तो आप लोग ने काफ़ी बार देखा होगा स्टेशन मेरी वीडियो में। सो ट्रेन आने के लिए थोड़ा लेट था, इसलिए हम लोग ने एक यहाँ पे बैग रिपेयरिंग करता है, चेन वन लगाता है। सो यहाँ पे मेरी फ्रेंड का बैग में बैग का चेन लगाना था। सो यहाँ पे आ गए हैं। ओनली 20 रुपीज़ देता है, आपका बैग वेस्ट नहीं होगा, चेन खराब होने से आप यहाँ पे लगा सकते हो। स्टेशन में ही है ये वाला शॉप। सो हम लोग ट्रेन का भी वेट कर रहे थे और ट्रेन भी आ गया है यहाँ पे। सो हम लोग लोकल ट्रेन में चढ़ के जाएंगे दम दम। और यहाँ से मेट्रो नहीं मिलता है, सिर्फ लोकल ट्रेन मिलता है, इसलिए हम लोग यहाँ से जाएंगे दम दम जाएंगे और दम दम से मेट्रो पकड़ेंगे। सो हम लोग पहुंच गए हैं दम दम अभी। और अभी हम लोग जा रहे हैं मेट्रो स्टेशन की तरफ जा रहे हैं और फिर हम लोग मेट्रो में चढ़ के जाएंगे चांदनी चौक। ये कलकत्ता वाला चांदनी चौक है, दिल्ली वाला चांदनी चौक नहीं है। और सो आप लोग देख सकते हो कि हम लोग मेट्रो में इतना ट्रैवलिंग नहीं करते हैं, इसलिए हम लोग का पास मेट्रो कार्ड नहीं है। और यहाँ पे देख सकते हो जिसका कार्ड नहीं है कितना लंबा लाइन लगना पड़ता है। सो लंबा लाइन लगने के बाद हम लोग ने टिकट ले लिया है मेट्रो का। और यहाँ पे मेट्रो स्टेशन में है, उधर से ट्रेन मेट्रो जा रहा है और फाइनली हम लोग का मेट्रो भी आ गया है। और आप लोग देख सकते हो मेट्रो में बैठ के थोड़ा चैन महसूस होता है क्योंकि यहाँ पे एसी होता है इसलिए। और जो लोकल ट्रेन में है बहुत ही गर्मी होता है, लोगों का भीड़ भाड़, ऊपर से एसी नहीं होता है इसलिए बहुत ही गर्मी होता है। सो हम लोग मेट्रो से अभी उतर गए हैं और अभी हम लोग पहुंच गए चांदनी चौक। और अभी यहाँ से हम लोग मेट्रो स्टेशन से बाहर निकलेंगे मार्केट की तरह। 2-3 रास्ते होते हैं एग्जिट होने के लिए और हम लोग थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़ हो गए थे, लेकिन हम लोग बाहर निकल ही गए। और यहाँ पे देख सकते हो कैसा भीड़ भाड़ है चांदनी चौक में। और स्पेशलिस्ट यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक का सामान है, आपको पूरे रास्ते भर इलेक्ट्रॉनिक का सामान मिलेगा। एक ये देख सकते हो आप लोग, और मोबाइल का जो रिपेयरिंग सेंटर है या तो मोबाइल कवर है, टेम्पर ग्लास है, ये सब यहाँ पर बहुत ही मतलब अच्छा अच्छा यूनिक स्टाइल का आप लोगों को यहाँ पे मिल जाता है। और यहाँ पे लाइटिंग वगैरह जो घर पे आप लोग डेकोरेट करते हो वो भी यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मिलता है, वैरायटीज़ का होता है। अगर आपको घर का कुछ लाइटिंग वगैरह ख़रीदना हो या तो मोबाइल कवर वगैरह लगाने के लिए हो या तो कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक सामान वगैरह ख़रीदना हो तो आपको आना पड़ेगा चांदनी चौक। यहाँ पे आप लोग बर्गेनिंग करके आराम से ख़रीद सकते हो, अच्छा तरीका मतलब अच्छे क्वालिटी का भी होता है और अपना मन पसंद का यहाँ पर आप लोग देख देख के चुन चुन के ले सकते हो। ये देख सकते हो सारा तरफ इलेक्ट्रॉनिक का इधर सामान ही है। और हम लोग यहाँ पे आए थे, हम लोग का कुछ सामान जो पिछले बार लेके गए थे इन्वर्टर वो ख़राब हो गया था, इसलिए वो दिखाने के लिए लेके आए थे। 1 ईयर्स का वारंटी था लेकिन उसे 2 महीना भी नहीं गया, नहीं टिका, मतलब बैटरी डाउन हो जाता है, चार्जिंग नहीं ले पाता है। सो उसको हम लोग दिखाने के लिए आया। ये देख सकते हो सोलर पावर हाउस है, यहाँ से लेके गए थे हम लोग, 1 ईयर्स का वारंटी दिया था लेकिन वो 2 महीना में ही मतलब काम नहीं कर रहा था। सो हम लोग ने कॉल किया था, उन्होंने बोला कि आप लोगों को लेके आना पड़ेगा तभी हम लोग देख के बता सकते हैं, ऐसे ही नहीं बोल सकते हैं बोला। सो हम लोग इतना दूर से आ गए हैं क्योंकि आज ऑफ भी था, इसलिए हम लोग को ये काम करना था, नहीं तो हम लोग के लिए फिर दिक्कत हो जाता, लाइट जला नहीं पाते हम लोग शॉप पे। सो ये देख सकते हो हम लोग का छोटू सा इन्वर्टर और हम लोग
बैटरी भी कैरी करके लेके आए हैं। बैटरी का कुछ प्रॉब्लम नहीं था, इन्वर्टर का प्रॉब्लम था, सो उन्होंने इन्वर्टर हम लोग को चेंज करा दिया। और यहाँ पे जीजा जी को कुछ मोबाइल का कवर लगाना था, इसलिए उन लोग कवर देख रहा है और मैं बना रही हूँ वीडियो। उसके बाद में हम लोग का अपना बेसिक काम करने के बाद निकल के जा रहे थे, तभी एक अंकल का यहाँ पे दिखाई दिया मुझे कचौड़ी चाट। ऐसे भी मेरा फेवरेट है कचौड़ी, सो मैंने एक बनाने के लिए बोला। बहुत ही अच्छा तरीका से बना दिया, स्वादिष्ट बना दिया अंकल ने। ओनली फॉर 40 रुपीस लिया, मुझे तो बहुत ही टेस्टी लगा, यम्मी खा के। सो आप लोग भी अगर खाना चाहते हो तो चांदनी चौक आ सकते हो और देख सकते हो अंकल कितना मतलब अच्छा से बना रहे हैं। और मुझे तो मतलब देख के ही खाने का मन कर रहा है, मुंह से पानी आ रहा है, कब खाने के लिए मिलेगा ऐसे सोच रही हूँ। और अंकल डाल ही रहा है एक एक चीज़। उसके बाद फाइनली खाने का बाद फिर से हम लोग आ गए चांदनी चौक। और अभी हम लोग मेट्रो पकड़ कर जाएंगे दमदम, उसके बाद फिर से दमदम से लोकल ट्रेन से जाएंगे विराटी। सो गाइस इतना मैं अपना ब्लॉग खत्म करती हूँ। सो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट पे जरूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू।